अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का बुखार खत्म हो गया और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारियां मुकम्मल शुरू। दोस्तों, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन ने नई तब्दीलियों का ऐलान कर दिया है। मुकम्मल अपडेट शेयर करते हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, नए स्क्वाड के साथ नया कप्तान बना दिया गया है। शाहीन शाफरीदी की छुट्टी करवा कर मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान टीम का नया कप्तान मुंतखब कर दिया गया है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ अब बहुत बड़ी तब्दीली हो चुकी है और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने डिमांड कर दी है कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में एक दफ़ा फिर वापस लाया जाए। तो दोस्तों, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम इस PSL में शानदार परफॉर्मेंसेस दिखा चुके हैं। इसी बना पर 18 अप्रैल से शुरू होने वाली इस सीरीज में मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को भी शामिल किए जाने के इम्कान हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।